हेलो एवरीवन, आज आप लोग के सामने फिर एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो HTML की H1 और 2 H6 के बारे में आज बात करूँगा कि H1 से H6 क्या होती है और HTML में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग देखेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला तो HTML का H1 और H6 क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML जो ऑफ़र करता है ये 6 लेवल का हेडिंग ऑफ़र करता है। H1 का मतलब होता है हेडिंग टैग, इसका जो फुल फॉर्म है हेडिंग टैग है, जो कि एंगल ब्रैकेट के अंदर में ये लिखा जाता है, जो जिससे हम लोग एंगल ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं वहीं इसको एंड भी करते हैं। तो ये चीज़ आपका जो मतलब H1 से H6 है, ये स्टार्ट होने के बाद H6 में ये ख़त्म भी होती है। इसके बाद आते हैं इसके जो इसका जो हेडिंग लेवल है वो नंबर से देखा जाता है कि ये जितना लेवल ऊपर का होगा, ये इसकी जो जो इसके टेक्स्ट है ये टेक्स्ट उतनी ही बड़ी होगी। जो अगर मान लेते हैं इसका अगर H6 अगर है, ये इसकी H6 मतलब ये सबसे छोटी डॉक्यूमेंट लिखने के लिए यूज़ होती है, और इससे ऊपर अगर H5 जाएंगे, H4 जाएंगे या फिर H1 तक जाएंगे तो आप लोग इसको इससे समझ सकते हैं कि ये बड़ी होते जाएगी इसके टेक्स्ट। तो आप इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कोडिंग को हम लोग देखेंगे कि कोडिंग इसको लिखते कैसे है कोडिंग में। तो नेक्स्ट वन है, यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं। कोड है, पहले तो हम लोग डॉक टाइप HTML ये चीज़ HTML यहाँ पर लिख रहे हैं जो कि एंगल ब्रैकेट के अंदर है। देन हम लोग बॉडी लिखते हैं कि बॉडी उसको एंगल ब्रैकेट से ये बॉडी लिख रहे हैं, बॉडी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर लास्ट में देखिए बॉडी क्लोज हो रहा है। जो एंगल ब्रैकेट के पास जो ये स्लैश दिया हुआ है, स्लैश ये क्लोजिंग के लिए होता है। देन होता है HTML जो कि क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर जो H1 H2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दिस इज़ अ हेडिंग 1, दिस इज़ अ हेडिंग 2, जो इसका फुल फॉर्म है वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिख के रखा है। यहाँ पर H3 भी, यहाँ पर वही चीज़ है, H4 H5 और H6, ये जो है ये यहाँ पर दी हुई है। और ये जो P दिया हुआ है, ये जो P यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो P है, ये P यहाँ पर आपकी जो ये ये पैराग्राफ की टैग है जो कि BR से ब्रेक की हुई है, और यहाँ पर आपको शो कर रही है कि ये H1 से H6 के एलिमेंट यहाँ पर दिखा रही है कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट कैसे इसका दिखता है। इसका जो आउटपुट है आपका, ये आपको ऐसे दिखेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर H1 है तो फिर ये देखिए ये सबसे बड़ी है, और H6 जो है ये देखिए सबसे छोटी है H6, और यहाँ पर देखिए H5 उससे थोड़ी बड़ी है, H4 उससे थोड़ी बड़ी है, क्योंकि ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है, जिससे हम लोग का जो भी यूज़ होता है वो यहाँ पर शो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम लोग जानेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है। भाई हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर कोड लिख के रखा हूँ, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पर देख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो हेडिंग 1 है, इस जिसको मैं चेंज करते दे रहा हूँ, दिस इज़ माई नेम। अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर रन करता हूँ, यह पहले ये चीज़ है, ये आपको आउटपुट है, और ये आपको यहाँ पर ये कोडिंग में लिखी हुई है, सेम चीज़ ये लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर चेंज होगी। यहाँ पर जो हेडिंग थी, यहाँ पर देखिए दिस इज़ माई नेम, ये सबसे बड़ी में दिख रही है। अगर देखिए यहाँ पर H6 में अगर मैं कुछ लिखता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि दिस इज़ अ हेडिंग हेडिंग फॉर HTML, हेडिंग फॉर HTML। तो अगर मैं रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको शो हो रही होगी कि दिस इज़ अ हेडिंग फॉर HTML आपको दिख रही है, छोटा में चेंज हो रहा है। आपको जो जैसे भी आपको फॉन्ट के यूज़ करने की ज़रूरत है, आप उस हिसाब से आपको आप यूज़ कर सकते हैं। इस ये जो एंगल ब्रैकेट खुल रहा है, आपको एंगल ब्रैकेट क्लोज भी करनी पड़ती है। इसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उस हिसाब से ये आपको दिखेगी। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ टैग होता है, ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रही है एंगल ब्रैकेट, ये जो बी लिखी हुई है, ये यहाँ पर जो बी आप देख रहे हैं, ये बी बी जो है ये आपकी ब्रेक होती है, ब्रेक लाइन कर रही है कि आपका जो लाइन है वो ब्रेक करने के लिए यहाँ पर स्पेस एक मिलेगा। स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपका टिप लिखा हुआ है, टिप के बाद कोलोन है, फिर ब्रेक है। यहाँ पर ये जो क्लोज हो रही है ये ब्रेक हो रही है। इसके बाद यहाँ पर जो लिखी हुई है, मैंने जो यहाँ पर लिखा है, इस जगह पे आप इसको हटा के कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी चाहे। इसे माई नेम इज सब्यासाची, माई नेम इज सब्यासाची, आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो फिर अगर मैं रन करूँ इस चीज़ को, आप यहाँ पर देख सकते हैं टिप में लिखा हुआ है माई नेम इज सब्यासाची,
तो ये चीज़ आप पैराग्राफ के अंदर, जो कि यहाँ पर एक ब्रेक दिया हुआ है, ये ब्रेक का काम कब क्या करता है, ब्रेक देखिए यहाँ पर इसे ये सिंगुलर टैग है जो कि यहाँ पर स्टार्ट भी हो रही है और यहाँ पर ये क्लोज भी हो रही है। आफ्टर देन एंगल ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रही है, पैराग्राफ यहाँ पर क्लोज भी हो रही है। जो भी हमें यूज़ करना है उसे हम लोग स्टार्ट भी करते हैं, आफ्टर देन उसे क्लोज भी करते हैं। तो ये बॉडी है, देन ये HTML है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज भी करते हैं, उसके बाद ही हम लोग को ये चीज़ दिखते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को जो हेडिंग है, हेडिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हेडिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग को ये चीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, देन सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।